Now, this portion is called feed table. और फीड टेबल के ऊपर फीड रोलर्स होते हैं और फीड रोलर्स के इधर जो है जहां से मटेरियल एंटर होता है गाइड होता है. तो जैसे ये 6 फीड रोलर मैं दिखा रहा हूं यहां पे, तो 6 गाइड्स हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ दिस. तो स्लाइवर जो आता है वो इस गाइड से पास होके इन दोनों रोलर्स के चलता है. द बॉटम रोलर इज पॉजिटिवली ड्रिवन. पॉजिटिवली ड्रिवन का मतलब है कि चेन जो है उसे ड्राइव होता है. और टॉप रोलर जो है ये फ्रिक्शन से चलता है, जो मटेरियल इसके बीच में पास हो रहा है स्लाइवर, क्योंकि स्लाइवर चल रहा है, इसका वेट है, तो ये दोनों क्या करते हैं इसको चलाने में मदद करता है. अब ये सेकेंड इज योर गाइड, स्लाइवर गाइड. तो भी रोलर से पहले ये हर रोलर के आगे होगा. तीसरा जो है दीज आर कॉल्ड टेबल फीड रोलर्स. क्योंकि ये एक टेबल होती है, टेबल के ऊपर क्योंकि लेफ्ट एंड राइट साइड, अगर ये दो डिलीवरी की ड्रॉ फ्रेम है तो एक लेफ्ट साइड में जो है ये अरेंजमेंट होगा, दूसरा राइट साइड होगा. और जो बीच वाला इन दोनों के बीच में गैप है दैट इज द टेबल, जिसके अंदर जो है स्लाइवर जो है वो चलते हैं. अब नाउ इन दिस केस द स्लाइवर्स आर कमिंग, द फीड रोलर्स आर देयर, देन फोर्थ वन इज स्लाइवर गाइड. अब ये जो चौथा जो है चार नंबर, इसका काम क्या है, क्योंकि अगर मैं टॉप से देखूं तो ये 6 स्लाइवर आ रहे हैं साइड बाय साइड. ये जो गाइड है ये क्या करता है, इनको ये जो देख रहे हैं ये इनको एक दूसरे के साइड में चलने के लिए प्रेरित करता है, गाइड करता है. अगर इसकी सेटिंग ज्यादा वाइड है तो चांसेस क्या होंगे कि ये एक स्लाइवर दूसरे के ऊपर चला गया और जब ड्राफ्टिंग में जाएगा तो ड्राफ्टिंग वेव्स कट्स विल प्रोड्यूस. तो इसकी सेटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये विड्थ ऑफ द जो स्लाइवर का आपका जो आ रहे हैं 6 स्लाइवर एक जोन में उनको कंट्रोल करता है. देन दिस इज 3x3 विद प्रेशर बार ड्राफ्टिंग सिस्टम. तो ये प्रेशर बार है. तो यहां पे जो 5 नंबर है ये ड्राफ्टिंग यूनिट है. यहां पे हमने 3x3 विद प्रेशर बार लिया है. दिस 8 नंबर इज 8, 9 and 10, दीज आर द ड्राफ्टिंग रोलर्स. और सिक्स नंबर जो है वो है टॉप क्लियरर, क्योंकि हमारा जो हर रोलर है इसके ऊपर एक रबड़ की प्लेट जो है क्लियरर, जिसे हम कहते हैं टॉप क्लियरर, और एक बॉटम क्लियरर. इनका बेसिक ऑब्जेक्ट यह है कि जो भी फाइबर्स टॉप रोलर के ऊपर लैप हो गए हैं वो उसको इकट्ठा कर ले, उसे मशीन के अंदर ना जाने दे ड्राफ्टिंग में. और वही ऐसे ही बॉटम रोलर के अंदर होता है. पहले ये जो है एक प्रकार की जो है बेल्ट चलती थी कपड़े की, पुरानी मशीनों में क्लॉथ होता था उसके ऊपर, और वो जो है लगातार वो उसे साफ करते रहते थे हम जो विद द हेल्प ऑफ ए कॉम. मगर आजकल वो सिस्टम नहीं है. आज हर जो रोलर है इसके ऊपर एक प्लेट भी होती है
वो उसको जो है करता रहता है क्लियर, और वो सक्शन के द्वारा जो है उसको हटा दिया जाता है वेस्ट को, जिससे कि वो जो है मटेरियल इसमें ना पड़े। तो ये जो सात वाला जो पोर्शन है बॉटम क्लियर आ रहा है, और अब ये जो रोलर्स हैं इनमें बॉटम रोल जो है इट इज पॉजिटिवली ड्रिवन बाय द टॉप रोलर इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ बॉटम रोलर ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ स्लाइवर विच इज पासिंग थ्रू इट। बॉटम रोलर्स जो हैं वो गियर से चलते हैं, पॉजिटिवली ड्रिवन होते हैं, जबकि टॉप रोलर जो है क्योंकि वो वेट के द्वारा, आजकल न्यूमेटिक वेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, पहले डेड वेट सिस्टम होता था, स्प्रिंग वेट सिस्टम होता था, उसकी बजाय आजकल न्यूमेटिक वेट से प्रेशर के जरिए ये टॉप रोलर जो है ये चलते हैं। सो देन देयर इज अ फनल एट द फ्रंट। इसका काम ये है कि जो ड्राफ्टेड वेब आ रहा है वेब फॉर्म में, उसको एक स्लाइवर में कन्वर्ट कर दे, और यहाँ पे एक जो है वो ट्रम्पेट यूज हो रही है, दिस इज द ट्रम्पेट। सो 11 इज द फनल। फनल का काम है जो ड्राफ्टिंग मटेरियल आ रहा है उसे कन्वर्ट करके, कंडेंस करके स्लाइवर फॉर्म में देना, और ये जो है ग्यारह नंबर इज फनल, 12 नंबर इज ट्रम्पेट, जिसका मतलब है कि टू फर्दर कंडेंस द मटेरियल इन द रिक्वायर्ड साइज। इसका जो होल का डायमीटर है वो डिपेंड करता है कि आप किस हैंग का मटेरियल प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। एंड देन दिस इज कॉल्ड टेबल कैलेंडर रोलर। एंड 14 एंड 15 इज कैन एंड कॉइलर अरेंजमेंट, और ये 15 नंबर जो है ये ड्रॉ फ्रेम का कैन है। अब फ्रेंड्स जो मटेरियल की अगर हम बात करें, स्लाइवर यहां से आए, ये 6 स्लाइवर जो है इस गाइड से जो है कंडेंस हुए, फिर ये जो है बैक रोलर में आए, बैक रोलर में जो डायरेक्शन है बॉटम रोल क्लॉकवाइज चल रहा है, जबकि ये जो है टॉप रोलर एंटी क्लॉकवाइज, यहां से ये मटेरियल जो है ड्राफ्ट होके ये जो है आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रेशर बार है, प्रेशर बार का ऑब्जेक्ट ये है, ये ज्यादातर ये जो 3x3 प्रेशर बार ड्राफ्टिंग सिस्टम जो है इट इज यूज फॉर कॉटन। अगर यही जो है मुझे सिंथेटिक के यूज करना होता तो 3x5 पोलर ड्राफ्टिंग सिस्टम, 5x3 दैट इज अनदर, तो वहां पे 3x5 अरेंजमेंट होता है लॉन्गर लेंथ के लिए, और शॉर्ट कॉटन जहाँ पे हमें कॉटन चलानी है वहां पे ये अरेंजमेंट है। तो ये स्लाइवर यहाँ से चला, यहाँ पे ये वेब कंडेंस हो गया इसके अंदर, एंड देन इट गोज टू द फनल, और फिर ये यहाँ पे आके ये जो है कैन के अंदर लेयर्स में कॉइल के अरेंजमेंट में आ जाता है। अब अगर हम कॉइलिंग अरेंजमेंट देखें यहाँ पे, तो ज्यादातर जो अरेंजमेंट होता है इट इज अंडर कॉइलिंग, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे कॉइल का सेंटर जो है एक होता है ओवर कॉइलिंग। ओवर कॉइलिंग में क्या होता है कि अगर ये सेंटर है तो दिस इज द अरेंजमेंट, ज्यादातर ये जो है दिस बी, दिस इज ए इज अंडर कॉइलिंग, बी इज ओवर कॉइलिंग, व्हेन द कॉइल इज अराउंड द सेंटर ऑफ द कैन। ये आप इसे मेरा ख्याल है देख पा रहे हैं, ये इसके अंदर ओवर कॉइलिंग और ये जो है अंडर कॉइलिंग, ये ज्यादातर यूज होता है क्योंकि ये बैलेंस्ड है,
इसके अंदर में ज्यादा जो है मटेरियल कैन के अंदर जो है ले जा सकता हूँ। अब दोस्तों इसके अंदर जो है ये वर्किंग सही रहे, बेसिकली क्या है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, डबलिंग, और डबलिंग तभी मेरी जो मेरा मटेरियल तभी यूनिफॉर्म होगा जब वो 6 स्लाइवर लगातार चलते रहे। अब जब ये टूट जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए हमने जो है इलेक्ट्रिकल स्टॉप मोशन इसमें लगाई हुई है। पहली स्टॉप मोशन जो है वो इस गाइड के यहाँ पे काम करती है। अगर एंटेंगल्ड मटेरियल यहाँ पे जाएगा तो ये जो पत्ती है, ये जो फीड है जिसे आप फीड स्लाइवर गाइड है, ये टकराएगा इससे तो ये रुक जाएगी मशीन। दूसरा कारण क्या हो सकता है इसके अंदर कि ये स्लाइवर टूट जाए, यहां से टूटने के कारण क्या होगा कि ये पॉजिटिव, ये टॉप रोलर पॉजिटिव है, बॉटम रोलर नेगेटिव है, जब तक इनके अंदर स्लाइवर चल रहा है तब तक मशीन चलती रहेगी, पर जैसे ये स्लाइवर टूटेगा मशीन बंद हो जाएगी, स्टॉप विल टेक प्लेस। तीसरा जो है हमारा जो है स्टॉप मोशन यहां पे होता है, अगर कोई भी रोलर के बॉटम रोल पे लैपिंग आएगी तो यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट दिया होता है पॉजिटिव नेगेटिव कि जैसे ही लैपिंग बढ़े तो एक पिन जो है ऊपर स्ट्राइक करता है और वो मशीन को रोक देता है। तो ड्राफ्टिंग जोन में लैपिंग हो गई, मान लो 6 स्लाइवर आ रहे हैं और ड्राफ्टिंग जोन में 1 स्लाइवर लैप होना चालू हो जाए किसी भी रोलर पे या 2 हो जाए, तो इसका मतलब 4 स्लाइवर आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अरेंजमेंट कर रखा है दैट इज द इलेक्ट्रिकल स्टॉप मोशन, कहीं भी लैपिंग हो तुरंत जो है मशीन पॉजिटिव नेगेटिव टच हुआ बंद हो जाए। तीसरा दोस्तों हमने यहाँ पे सिस्टम कर रखा है कि ट्रम्पेट के ऊपर अगर कैलेंडर रोल पे लैपिंग हो जाए या यहाँ पे टूट जाए तो इधर स्टॉप मोशन हो जाएगी। और चौथा हमने अरेंजमेंट कर रखा है कि जब ड्रॉ फ्रेम पूरा भर जाए तो मशीन जो है, वैसे तो मशीन चेंज कर लेनी चाहिए कैन एम्प्टी कैन, अगर वो गलती से चलता जा रहा है तो ये एकदम स्ट्राइक करेगा और ये भी मशीन को बंद कर देगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे स्टॉप मोशन होती है, पहली स्टॉप मोशन जो है फीड रोल पे है, कोई भी ब्रेकेज अगर एक भी स्लाइवर टूटेगा तो इट विल स्टॉप द मशीन। दूसरा अगर लैपिंग हो रही है ड्राफ्टिंग रोल में वहां पे टूट जाएगा। तीसरा ये है कि ट्रम्पेट और कैलेंडर रोलर के बीच में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो देन इट विल स्टॉप, मेक द मशीन स्टॉप। चौथा है कि जब फुल ऑफ हो जाए तब ये हो जाए। तो फ्रेंड्स इसमें आज हम जो बात करेंगे, एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि ड्राफ्टिंग का बेसिक ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मटीरियल बनाना बाय डबलिंग। तो डबलिंग 6 स्लाइवर है, 8 स्लाइवर है, तो ये 6 स्लाइवर यहां से लेकर आगे तक सही ढंग से काम करना चाहिए। अगर एक भी स्लाइवर टूटेगा और मशीन बंद नहीं होगी तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टॉप मोशंस पे ध्यान नहीं देते, स्टॉप मोशन की तार निकल जाती है तो पता ही नहीं, दे डोंट चेक इट। तो बड़ा सिंपल तरीका है, इसके अंदर आप चाबी, आपके पास चाबी रहती है, आप चलती हुई मशीन में अगर इस इन दोनों को टच करेंगे या आप इसमें से स्लाइवर निकाल के जो है चलती हुई मशीन में आप स्लाइवर, ये एक प्रैक्टिस सही होता है, तो जब आप करेंगे तो मशीन बंद हो जानी चाहिए, अगर नहीं बंद हो रही है तो कुछ। दूसरा क्या है कि एक और जो सबसे बड़ा इसमें जरूरत है कि पीसिंग सही होनी चाहिए। 2 स्लाइवर आप देख रहे हैं कि स्लाइवर अगर डबल पीसिंग करेंगे तो हार्ड एंड पीसिंग, ये भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें प्रैक्टिकल पार्ट हम ड्रॉ फ्रेम का लेके चलेंगे। अभी ये जो फ्लो ऑफ मटेरियल है आशा आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।